mom. Give me chambers to peace of my security. Hermes, you can feed a village in Liberia. Give me chambers to peace of my security. Are you there, my yaka son? You are a jabra. दोस्तों अगर आपने गुल्ली बुली और आईफोन वाली चुड़ैल हॉरर स्टोरी पार्ट 1, 2 और 3 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाकर देख लीजिए, वरना आपको ये स्टोरी पूरी तरीके समझ में नहीं आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में भी है। दोस्तों अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि वो चुड़ैल सोन को लेकर जंगल में चली जाती है। गुल्ली बुली भी उस चुड़ैल का पीछा करने लगते हैं। तभी रास्ते में गुल्ली बुली को वही आदमी मिलता है जिससे गुल्ली बुली ने आईफोन खरीदा था। वो आदमी बताता है कि मैंने आईफोन के लालच में एक लड़की का मर्डर कर दिया था। गुल्ली बोलता है कि वही लड़की भूत बन के हम लोग को परेशान कर रही है और उसने सोन को भी उठा के जंगल में उड़ गई है। गुल्ली बुली और वो आदमी तीनों सोन को खोजने के लिए जंगल की ओर आगे बढ़ते हैं। वो तीनों देखते हैं कि सोन को उस चुड़ैल ने बांध के रखा हुआ है और वो चुड़ैल चाकू के धार को तेज कर रही है। और अब आगे देखिए, गुल्ली बोलता है ये चुड़ैल तो हमारे सोन बेटा को मार देगी। गुल्ली बोलता है तो हम क्या कर सकते हैं। गुल्ली बोलता है मेरे पास एक आइडिया है, तुम चले जाओ बाबा को लाने के लिए और तब तक के लिए मैं इस चुड़ैल को अपनी बातों में उलझाता हूँ। अब तुम्हारे हवाले बतन साथी। गुल्ली और वो आदमी उस चुड़ैल के सामने चला जाता है। तेरी बहन की लक्की। वो चुड़ैल गुल्ली और उस आदमी की तरफ देखने लगती है। तुम ही ना हो जिसने मुझे रामपुरी घुसा के भेलपुरी निकाल दिया था। गुल्ली बोलता है हाँ ये वही आदमी जिसने तुम्हें मारा था। गुल्ली बोलता है तुम इससे अपना बदला ले लो, लेकिन अगर तुमने मेरी सोन को छूने की कोशिश की तो इतना मारूंगा सीना सोची ना होगी, मरना तो पड़ेगा तुम सबको। और फिर वो चुड़ैल चाकू को उस आदमी को फेंक के मारती है जिससे कि उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। ये देख के तो गुल्ली डर जाता है। गुल्ली बोलता है तुमने तो अपना बदला ले लिया, अब हमें यहाँ से जाने दो। ना मुन्ना ना, जैसे तुमने मुझे उछल उछल के मारा है अब तुम्हें मरना होगा। गुल्ली बोलता है हमें चोट पहुँचाने की सोचना भी मत, तुम्हें शायद पता नहीं कि हम लोग किसके आदमी है। हम लोग बाबा लंगोटी लाल के आदमी है। उछल बोलती है कौन है ये लंगोटिया? तेरा बाप। वो चुड़ैल बोलती है ये बुढ़ा मुझे मारेगा। गुल्ली बोलता है हमारे बाबा सर से लेके पांव तक फौलाद है, एक बाप की औलाद है। बाप बोलती है जाओ बुल्ली, उस चुड़ैल को यहाँ पे मेरे सामने टांग के लेके आओ। बुल्ली गाड़ी से उतरता है और वो जाता है चुड़ैल के पास उसे घसीट के लाने के लिए। वो चुड़ैल मनी मन सोचती है तो गेम बजाना पड़ेगा। बुल्ली बोलता है तुम बाबा के पास दो पैरों पे चलना चाहोगी या फिर चार कंधों पे? वो चुड़ैल बोलती है मैं चार कंधों पे ही जाना पसंद करूंगी। अरे ये क्या, उस चुड़ैल ने तो बुल्ली का आंखी काला कर दिया। मारा, मारा। बाबा बुल्ली से बोलते हैं बेटा तुमसे ना हो पाएगा। वो चुड़ैल हवा में हाथ हिलाती है जिससे कि उसके हाथ में तलवार आ जाता है। अब तो बाबा गए हो, पता था ठंडवा में बुढ़वा लटक जाएगा। वो चुड़ैल बोलती है बुढ़े अब मैं देखता तुझे कौन बचाता है। वो चुड़ैल अपने तलवार को बाबा को जोर से फेंक के मारती है। अरे ये क्या, बाबा तो उस चुड़ैल के वार से बच गए। लगता है कि अभी भी बाबा के हड्डियों में दम है। बाबा का स्ट्रीम मोड ऑन हो जाता है। बाबा तो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं, बाबा की दोनों आंखें लाल भी है। बाबा का ऐसा गुस्सा देख के वो चुड़ैल डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है और बाबा पागल कुत्ते की तरह उसका पीछा करने लगते हैं। अरे रुक तेरा मैया का संया रुक। और फिर वो चुड़ैल एक घर के पीछे जाकर छिप जाती है। और फिर क्या था, बाबा भी उस घर के पीछे जाके गर्दा मार चालू कर देते हैं। अरे वाह 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 वाह, मारो मारो मारो, बाबा बाबा गरम कर दो तावा। और फिर बाबा थोड़ी देर बाद उस चुड़ैल को बाहर लेकर आते हैं और उसे जोर से एक लात मारते हैं। लगता है कि वो चुड़ैल बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरी है। सारे लोग बाबा के गाड़ी पे बैठ जाते हैं। गुल्ली बोलता है बाबा आप कैसे जाएंगे? बाबा जोर से सीटी बजाते हैं, वहाँ पर एक घोड़ा आ जाता है।
बाबा उस घोड़े पे बैठ जाती है। बाबा बोलते मैं कैसा देखने में लग रहा हूँ, लग रहा हूँ ना राजकुमार। गुल्ली बोलता है मुझे तो लग रहा है किसी घोड़े पे गधा बैठा हुआ है। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये है कुछ शॉर्ट आउट जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो में कमेंट किया था। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको शॉर्ट आउट दूं तो इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दे। तब तक के लिए बाय बाय।